छन से टूटे शीशे जो बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। मेरे साथ तुम फ्लर्ट करते रहे, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अजीब बात कर रहे हैं, भला कराची जैसे शहर में बगैर गाड़ी के गुजारा है? और वैसे भी आपकी बहन ने माशाल्लाह क्या ऊंचा हाथ मारा है, अब उसे उस पुरानी टूटी फूटी गाड़ी की क्या जरूरत है, मांग ले उसे। मैं कभी जिंदगी में इतना खुश नहीं हुआ जितना आजकल हूँ। क्या साल भर बाद भी आप यही कह सकेंगे क्या आप खुश हैं? इतने प्यार के बावजूद जब आप औलाद की शक्ल नहीं देखेंगे तो आप यही कह सकेंगे क्या? सहमत बस कीजिए, बस कीजिए। हमारा कलेजा पहले ही छलनी हो चुका है और आप मजीद नमक चढ़क रहे उस पर। ये सब कुछ हम भी देख रहे हैं और झेल भी रहे हैं। आपको पता है दुश्मन हमारे आसपास अपनी बेटियों समेत दंदना रहा है और हम बिल्कुल बेदस्त पा हैं। जी अम्मी बेगम, चिकन चिकन खाएंगी आप? हमें भूख नहीं है। चल मैं खा लेता हूँ, वैसे भी टांग है। बाजी बस वो अचानक बाहर खाने का प्लान बन गया तो हम लोग चले गए थे। कोई बात नहीं, आपसे एक अहम बात करनी है। आप रुके और दावतनामे वगैरह छपा लीजिए। वो किस लिए? हम आपका वलीमा रिसेप्शन देना चाहते हैं। बाजी मैं मान गया मैं आपको, दरअसल आप ही मेरी मां हैं, आपको मेरी खुशी का कितना ख्याल है। इस वक्त आपकी खुशी से ज्यादा हमें खानदान की इज्जत का पास करना बहुत जरूरी है, वरना जितने मुंह उतनी बातें। पुरखों की बनाई हुई साख पल भर में जमी। आपने तो पता नहीं किस जादू टोने के जेर असर ये फैसला जल्दबाजी में कर लिया, सिर्फ दिल की सुनी, दिमाग समझाता रह गया। आपने मुझे वलीमा रिसेप्शन का कहकर बहुत बड़ी खुशी दे दी है। मैं सुबह ही वेडिंग प्लानर से बात कर लेता हूँ, वो सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे वो।
मेहमानों की फहरिस्त हमने तैयार कर ली है। कोठी में इतना चरागा किया जाए कि दरो दीवार छुप जाए, खानदान वालों को पता चले कि एक अरसे के बाद इस घर में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न जी बहुत बेहतर। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, वो दोनों लड़कियां इस फंक्शन में हरगिज हरगिज शामिल नहीं होंगी। इस घर में मैं बेबस हो गया हूं, क्योंकि वो लोग जिन्होंने मेरा ये हशर किया है, मेरी टांग का ये हशर किया है, वो यहां खुलेआम फिर रहे। इनफैक्ट उनके साथ मिलकर हमें सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। पता है, सरमद ने ना लंदन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। तुम उस मामा से वही पे रिसर्च कर रही हो क्या? वो एमबीए करे या पीएचडी, रहेगा वो घटिया कमीना और फ्लर्टी, तुम उसके चुंगल में मत फंसना। बाबा, वो बाजी क्या कह रही थी? वो एक्चुअली बाजी हमारा वलीमा रिसेप्शन अनाउंस करना चाह रही। कंग्रेट्स बाबा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बाजी का दिल कितना बड़ा, इसका मतलब है उन्होंने अम्मू को कबूल कर लिया। हाँ, और इसका मतलब हुआ कि आपको माफ कर दिया। बाबा, पूना बाजी आपको बहुत चाहती है, मैंने देखा है। अरे बाबा, आप क्या हुआ, खुश हो जाए ना। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो बाबा, सब ठीक है बाबा। कल से हमारा कॉलेज शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक फाइनल एग्जाम्स है। हाँ, जफर एज यूजुअल तुम्हारा पिक एंड ड्रॉप क्या करेगा, बस अब पढ़ाई दिल लगा कर करनी है तुम दोनों ने। वो बाबा बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो ये है कि रोशानी और मेरे पास वलीमे के लिए कपड़े नहीं है, तो मैं सोच रही थी ड्रेस। हाँ तो मैं समिया से कह देता हूँ ना, वो तुम दोनों को ले जाएगी। वैसे भी तुम दोनों इतनी प्यारी हो कि सादा लिबास में भी बहुत प्यारी लगती हो। मेरी बाबा, नहीं ऑब्वियसली आई एम अ लकी गाय कि माशाल्लाह मेरे घर में दो पली पलाई प्यारी प्यारी सी परियां आ गई। थैंक यू बाबा। दूसरों को मेरी औलाद की पड़ी। क्या? कुछ नहीं, चलो शाबाश, जाओ तुम दोनों सो जाओ, बहुत देर हो गई है, सुबह कॉलेज में जाना। बाय बाय, गुड नाइट। सरमद, हमारी जान, हमारे जिगर गोशे, ये आप कब तक इस तरह से लंगड़ा लंगड़ा कर चलते रहेंगे? आपका डॉक्टर आखिर कहता क्या है? पता नहीं अम्मी बेगम डॉक्टर क्या कहता है, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं, इस घर में मैं बेबस हो गया हूं, क्योंकि वो लोग जिन्होंने मेरा ये हशर किया है, मेरी टांग का ये हशर किया है, वो यहां खुलेआम फिर रहे। इनफैक्ट उनके साथ मिलकर हमें सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी सरमद मियां,
इस घर में लगी हुई आग को हमें अपने ही दामन से बुझाना होगा। अगर बाहर से फायर ब्रिगेड मंगाया तो सबको पता चल जाएगा कि इस आग के लगने का सबब क्या है। अखबार और मीडिया वाले तो ताक में बैठे रहते हैं। ओ। हमें सारे जमाने के सामने समिया खान को अपनाना होगा और इस तरह से अली तुराब की इस फाश गलती पर मखमल का पर्दा डालेंगे। बस 20-25 लाख तो खर्च होंगे और क्या। क्या मास्टर प्लान बनाया आपने और आगे क्या होगा? आगे इस नुमाइशी बंधन को एक कच्चे धागे की तरह से तोड़ा जा सकता है, बड़ी आसानी और खामोशी के साथ। मिसेस अंजुम तो सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही हैं। अब बताएं 2 दिन में रिसेप्शन की तैयारी कैसे होगी और मैं क्या पहनूंगी? ये या ये, बताएं ना। समिया, किसी ऑफिशियल लंच पर जा रही हो? अरे नहीं, हमारे वलीमे का डिनर। आपके सामने तो ऐलान हुआ है अभी नीचे। डियर वाइफ, उस रात महफिल की जान होंगी आप। इतने सारे मेहमान सिर्फ आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो क्या आप ऐसे ओकेजन में ऐसे कपड़े पहनेंगे? सॉरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं और ना ही मुझे अंदाजा था कि हमारा वलीमा भी होगा और उसमें बाजी बेगम इतने सारे लोगों को इनवाइट भी करेंगे। समय तुम बहुत अच्छी हो। अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए तो मुझे पहले से माफ कर दो प्लीज। मजाक का वक्त नहीं अली। अच्छा ऐसा करते हैं कि कल बच्चियों को कॉलेज से पिक करके हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। उनकी शॉपिंग भी हो जाएगी और हाँ, आपकी पसंद के कपड़े भी ले लूंगी। शो अब्राहम समझ रहे हैं। समझ नहीं रहा, वो है। मैंने सुना है कि बहुत सारी लड़कियां ना उसमें मरती हैं, जान देती हैं। अंधी होंगी वो लड़कियां। वो है क्या चीज? खुद क्या है? माँ की कोठी, मामू का बिजनेस, एनी। ओ, जब भी मैं उसे देखती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं दोबारा केला खाऊं, छिलका फेंकू, वो फिसले और उसकी दूसरी टांग भी चली जाए, लंगड़ा हो जाए दोबारा। कश्माला, अब तुम खुद खामखा उससे पंगा लेना चाह रहे। Excuse me, खामखा? मेरे घर आके मुझे चैलेंज करे कि मैं उसके कदमों में जाके उससे माफी मांगूंगी। पागल है वो, crazy। अच्छा छोड़ो इन बातों को। वो मेरी क्लास ना
दो बजे खत्म हो जाएगी तुम्हारी? मेरी लास्ट क्लास जब भी हो मैं पूरे दो बजे बाहर आ जाऊंगी। यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पढ़ाई शढ़ाई। जी और ये बात ना हम सब जानते हैं, इसीलिए अम्मू ने तुम्हें कॉमर्स दिलवा दी। अगर मेरी तरह साइंस दिलवाती ना तो फेल हो जाती और फिर क्या होता, रहती तो मैं कश्माला औरंगजेब खान और दुनिया का वही हाल करती जो अब करी। पागल पागल हो तुम बिल्कुल। पता है सरमद ने ना लंदन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। तुम उस मामा बॉय पे रिसर्च कर रही हो क्या? वो एमबीए करे या पीएचडी, रहेगा वो घटिया कमीना और फ्लर्टी, तुम उसके चुंगल में मत फंसना। मैं क्यों आने लगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अब जफर भाई गाड़ी रोके ना, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? कॉलेज का गेट तो पीछे रह गया है। अच्छा बीबी मैं घुमा लेता। जफर भाई मुझे पूरे दो बजे पिक कर लीजिएगा, मेरा लंच टाइम हो जाता है, मुझे बहुत भूख लगती है। आपको पता है कि अगर मुझे खाना वक्त पे ना मिले तो मैं इंसानों को खाना शुरू कर देती हूँ। जी बेबी जानता हूँ। या अल्लाह बैंक के लॉकर में सब कुछ महफूज और साबुत हो। अम्मी ने अपना जेवर तो जरूर रखवाया होगा, उसमें रोहन की दुल्हन के काम आ जाएगा। अब्बा की एक पेश कीमत खड़ी भी नजर नहीं आ रही, क्या पता वो भी उसी लॉकर में हो। या अल्लाह या हाफिज या रज़ाक या रज़ाक। सबसे पहले तो गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद ये बंगला बेच के एक लग्जरी फ्लैट और अपना कारोबार शुरू करूंगा, बिजनेस। चले आइए। कैसी लगूंगी मैं ये सब कुछ पहनकर? अली तो आपकी दुल्हन या हमदानी ट्रेडर्स की डिजाइनर? इस औरत के भाई और भाभी, ये औरत ही हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए काफी है, और मजीद अजाब देने के लिए इसके रिश्तेदार हरगिज नहीं। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, ये मैं हूँ समिया औरंगजेब से। समिया तुराब हमदानी कब बन गई पता ही नहीं चला। अली तुराब की पागलों वाली मोहब्बत से उलझन तो होती है, लेकिन अब उनके बगैर रहा भी नहीं जाता। सब कुछ ठीक हो गया। अंजुम आरा ने ना सिर्फ हमें कबूल कर लिया बल्कि अब वो सारे खानदान में इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर रही हैं। और क्या चाहिए एक औरत को, एक सजा सजाया बंगला, नौकरों की फौज, बेटियों को बाप, लगते लगते दिल लग ही जाएगा इस घर में। आ जाओ। ये बाजी बेगम ने आपके लिए भिजवाया। ये मेरे लिए? इतना भारी जोड़ा, मैं पहनूंगी इसे? दो बेटियों की मां होकर? आपकी ना सही, लेकिन साहब की तो पहली शादी। मेरा मतलब है इस कोठी की पहली शादी पहली खुशी है ना। बाजी बेगम का कहना है कि जोड़ा दुल्हन की
हैसियत के हिसाब से नहीं बल्कि दूल्हा की हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए। हाँ शायद वो ठीक ही कहती हैं। हो सकता है कि दो बेटियों की माँ इस जोड़े की मुस्तहक ना हो लेकिन अली तो आपकी दुल्हन इस जोड़े की मुस्तहक जरूर है। कैसी लगूंगी मैं ये सब कुछ पहनकर? अली तो आपकी दुल्हन या हमदानी ट्रेडर्स की डिजाइनर? ये जेवरात इसी के साथ के पहन लीजिएगा और ये कार्ड भी शहर की सबसे बड़ी सैलून वाली है उसे कॉल कर लीजिएगा ये आपको कल तैयार कर देगी। बाजी बेगम की शान के मुताबिक शहर की बड़ी ब्यूटी पार्लर वाली। और कोई सवाल है मैडम? अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे मैडम क्यों कहती हो? भाभी या बाजी क्यों नहीं? अब तो मैं भी इसी घर की फर्द हूं ना। बाजी बेगम का हुक्म है। हेलो। हाँ जफर बात कर रहे हो ना? जी कौन? मैं सरमत बोल रहा हूँ। जफर एक काम करो तुम सीधा घर चले जाओ वहाँ पे मिसेस समिया को गाड़ी की जरूरत है। जी जी सर बिल्कुल। लेकिन सर छुट्टी होने वाली है आधा घंटा रह गया और कश्माला बीबी और रोशना बीबी कैसे जाएंगी फिर? उनकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उन्हें मैं देख लूंगा। मेरा मतलब है कि मैं उनके कॉलेज के करीब ही हूँ यार उन्हें पिक कर लूंगा। तुम अभी इसी वक्त जाओ घर जैसे समिया को देर ना हो फौरन। ओके बाय। किसी को बताना नहीं। इंतजार नहीं हो रहा घर जाके से खोलूं। बहुत अच्छा हुआ कि बैंक में हमसे कुछ ज्यादा सवाल वाल नहीं पूछे गए। मैं अंदाजा नहीं आसमा ये फाइल नहीं है बस समझो कि बंगला हमारा हुआ। हाँ। अब तुम देखना मैं क्या प्लानिंग करता हूँ। बहुत कुछ सोचा हुआ मैंने। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे इस दिन के लिए हमने कि जब अली तुराब अपनी नौखेज दुल्हन लेकर आएंगे तो तमाम मेहमानों के मुंह हैरत के मारे खुले के खुले रह जाएंगे। अली तुराब की दुल्हन का हुस्न और खानदान देखकर रिश्तेदार रश्क व हसद में मुब्तला हो जाएंगे। शहर में मुद्दतों उस शादी का डंका बजता रहेगा लेकिन लेकिन कैसी नजरें बदलगी कि सूरत हाल क्या से क्या हो गई। अगर इस औरत को कबूल करें तो सारे जमाने में हमारी नाक कट जाएगी और अगर रद्द कर दें तो हमारा भाई हमारे हाथ से निकल जाएगा। दोनों सूरतों में हमारी तो इज्जत का जनाजा ही निकल जाएगा। आगे कुआं है
तो पीछे खाई। वाह, ये क्या, आसिम और अस्मा कासिम, ये कौन है? इस औरत के भाई और भाभी? नहीं, ये औरत ही हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए काफी है, और मजीद अजाब देने के लिए इसके रिश्तेदार हरगिज नहीं, वो हरगिज यहां मधु नहीं होंगे। ये महफिल सिर्फ मोजीन के लिए है, और रऊसा के लिए, और उमरा के लिए है, ये यहां हरगिज नहीं आएंगे। ये लो, ये तमाम दावतनामे आज के आज तकसीम हो जाने चाहिए। सारे दावतनामे अली तुराब के पीए को भिजवा दो। ठीक है बजवेगा। तीन बज रहे हैं जफर भाई, कहाँ रह गए हैं? अगर वो अगले 5 मिनट में नहीं आए ना, तो मैं कैंटीन से जाके गंदे चिप्स के ऊपर गुलाबी केचप डाल के खा लूंगी, मुझे नहीं पता। कश्माला ठहरो, पागल हो गई हो क्या? हम एक काम करते हैं ना कि अंदर चलते हैं और गधे को फोन करते हैं। हाँ। चलो Oh my God. 2:30. वाह वाह भाई वाह, सरमद साहब वाह, कुछ वक्त भी कितने अच्छे होते हैं। अपने साथ साथ ठंडी हवाओं के झोंके लेकर आते हैं और जिंदगी एकदम से हसीन हो जाती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। वाह वाह वाह। जी सर, क्या हुआ? कुछ तुम अपना काम करो, दूसरों की बातें सुनते हो, शर्म भी नहीं आती। चाय चाय, आप जा सकते हैं। यार कमाल, टाइम क्या हुआ? सर घड़ी आपके सामने, 3 बजने वाले, आप देख सकते हैं। पास बातें देखने से ज्यादा सुनने में मजा देती है, ऐसी बातें जो कि क्योंकि आपके लिए जिंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी बन जाती है। मेरी टांग का दर्द तो खत्म ही हो गया ये खुशखबरी सुनकर। ओ वैसे सर कौन सी खबर? अच्छा, वो बॉस के वलीमे का इशाया जो आपके घर पे होने वाला है? नहीं, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे बाय द वे, ये इशाया क्या होता है? सर वो इशा के बाद जो खाना खाया जाता है ना, उसे इशाया कहते हैं। तो डिनर कौन है यार? अंग्रेजों का डिनर और हमारा इशाया। व्हाटएवर। अच्छा एक बात बताओ ना कमाल, अगर इंसान को भूखा रखा जाए और वो भूख का बहुत कच्चा हो और उसे तपती गर्मी में बड़ी देर उसी भूखी हालत में खड़ा कर दिया जाए एक सजा के तौर पर, तो क्या
क्या वो मर सकता है? सर दुनिया में तो मर जाता है, पाकिस्तान का पता नहीं। जा जा चलो जा काम करो। पाकिस्तान में भी ऐसा होगा, तारीख बदलेगी और कश्माला आज भूख से धूप में खड़ी खड़ी मर जाएगी। मजा आ गया, मजा ही आ गया। जमीन में टमी यार, अम्मू फोन क्यों नहीं उठा रही है? कीना ने इनका फोन साइलेंट किया होगा, बाबा का नंबर भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, तुमसे ज्यादा लग रही है। ए, तुमसे मतलब हाँ, क्या मसला है? हम तो रोज यहाँ वॉक करते हैं कॉलेज के बाद। तो रोशाने आप बताइए, आप कहती हैं तो मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ, 5 बज गए हैं, मेरा ऑफिस से वापसी का रास्ता यही है। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। कीना ने इनका फोन साइलेंट किया होगा, बाबा का नंबर भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, तुमसे ज्यादा लग रही है। चलो मैं तो कहती हूँ रिक्शा पकड़ के चले जाते। रोशाने पागल हो गई हो क्या? बताएंगे रिक्शे वाले को? डिफेंस फेज 1 बस, ना स्ट्रीट नंबर पता है ना घर का नंबर पता है, कहाँ जाएंगे? मुंगा फोन भी साइलेंट पर है और बाबा का नंबर नहीं पता, और मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है। कहाँ जा रही हो? हम छोड़ दें क्या? अबे चल बे तुझे, निकल यहाँ से। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। तेरी माँ ब्यूटीफुल, निकल। अरे आप लोग यहाँ? मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पढ़ते हैं। ये आप लोगों का कॉलेज है क्या? इट्स अ नाइस कॉलेज। और ये दोनों आपके फ्रेंड्स हैं? कूल फ्रेंड्स, कूल। देखिए आप लोग अगर चाहती हैं तो ओए चूचे जाओ, निकलो चलो। ए, तुमसे मतलब हाँ, क्या मसला है? हम तो रोज यहाँ वॉक करते हैं कॉलेज के बाद। तो रोशाने आप बताइए, आप कहती हैं तो मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ, 5 बज गए हैं, मेरा ऑफिस से वापसी का रास्ता यही है। हाँ ठीक है ना कश्माला, ये हमें ड्रॉप कर देंगे ना, चलते हैं इनके साथ। हाँ ठीक है कश्माला, चलते हैं। कोई जरूरत नहीं, हरगिज नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, मैं सारी रात यहीं गुजार दूंगी। अरे पूरी रात यहाँ गुजार के क्या करोगी, घर चलो ना। बाबा कश्माला मतलब मामू। रोशाने ये तो बेवकूफ है, आप प्लीज आई कैन अकॉम्पनी यू, प्लीज लिसन। कश्माला देखने वाली शक्ल थी कश्माला की, किस कदर अकड़ रही थी ये लड़की, एक ही झटके में जान निकल गई उसकी। अभी तो जंग शुरू हुई है, बस कश्माला एक दिन तुम मेरे कदमों में झुकी होगी, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो सरमत नाम नहीं होगा मेरा। काश तुम खौफ और भूख से बेहोश होकर सड़क पर गिरी मिलती तो मुझे ज्यादा मजा आता, मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाता, लेकिन है वक्त पर पता नहीं कहां से मांगू उन्हें बचाने के लिए। मैं तो किसी भी चीज का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मिसेज अंजुम इतनी स्वीट है, उन्होंने भारी जोड़ा खानदानी जेवर जाने क्या क्या भेज दिया है। अम्मू आप उन्हें बाजी कह के पुकारा करें जिस तरह बाबा कहते हैं।
watching!